Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the fourth ventricle. So without wasting our time, let's start the video. Basically जो हमारा ये fourth ventricle होता है इसको हम चार part में पढ़ते हैं, introduction, recesses, angles and boundaries. तो पहले हम start करते हैं introduction के साथ. तो इस introduction में basically हम तीन points देखेंगे जिसमें बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेंट्रिकल्स होती है, वेंट्रिकल होता है क्या, एक तरीके से ये कैविटी होती है. तो ये जो हमारी फोर्थ वेंट्रिकल है ये बेसिकली हमारी कैविटी होती है हाइंड ब्रेन की. और हाइंड ब्रेन की जो इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं. ये टेंट शेप होती है. अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो ये एक तरीके से टेंट शेप होती है और इसके अंदर क्या फील्ड होता है, सीएसएफ फील्ड होता है. और ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, तो ये हमारे पोन्स और अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गाटा के तो डोर्सली प्रेजेंट होती है बट वेंट्रल टू द सेरिबेलम. तो सेरिबेलम के वेंट्रली प्रेजेंट है और पोन्स और अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गाटा के डोर्सली प्रेजेंट है. ये बात हमें याद रखनी है. एक बार हम इसे यहाँ से रीड आउट भी कर लेते हैं. तो इस इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या है, द कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल, टेंट शेप स्पेस फिल्ड विथ सीएसएफ, इट लाइज डोर्सल टू द पोन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गाटा एंड वेंट्रल टू द सेरिबेलम. अब हमारा सेकेंड पार्ट है रिसेसिस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. अब ये रिसेसिस का मतलब होता क्या, ये बेसिकली क्या होती है, जो हमारी मेन कैविटी होती है वेंट्रिकल की उसकी जो एक्सटेंशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिस बोलते हैं. तो दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ द मेन कैविटी ऑफ वेंट्रिकल. और ये रिसेसिस तीन तरीके के होते हैं, लेटरल रिसेसिस होती है, मीडियल डोर्सल रिसेसिस होती है और लेटरल डोर्सल रिसेसिस होती है. कितनी, तीन होती है, लेटरल रिसेसिस, मीडियल डोर्सल रिसेसिस और लेटरल डोर्सल रिसेसिस होती है. अगर मैं लेटरल रिसेसिस की बात करता हूँ ये भी दो ही नंबर होती है और लेटरल डोर्सल रिसेसिस भी दो ही नंबर होती है बट मीडियल डोर्सल रिसेसिस एक ही होती है. ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं. अगर हम लेटरल रिसेसिस की बात करें, टू लेटरल रिसेसिस आर ऑन ईच साइड, ईच लेटरल रिसेसिस पासिस लेटरली इन द इंटरवल बिटवीन द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल वेंट्रली एंड पेडंकल ऑफ फ्लॉक्युलस डोर्सली रीचिंग एज फार एज द मीडियल पार्ट ऑफ फ्लॉक्युलस. मीडियल डोर्सल रिसेसिस की बात करें, इट एक्सटेंड्स डोर्सली इनटू द वाइट कोर ऑफ सेरिबेलम लाइज जस्ट अबव टू नोड्यूल. और अगर हम लेटरल डोर्सल रिसेसिस की बात करें, टू लेटरल डोर्सल रिसेसिस वन ऑन ईच साइड लाइज अबव टू इंफीरियर मेडुलरी वेलम लेटरल टू द नोड्यूल. अगर आप ये पूछोगे अब ये होता क्या है, तो एक बार आप इसको डायग्राम एक बार इसका देख लेना फोर्थ वेंट्रिकल का बुक से, तो आपको ये समझ में आएगा कि इन्फीरियर मेडुलरी वेलम और ये जो नोड्यूल वगैरह ये कहाँ सिचुएटेड है. तो आपको एक तरीके से एक डायग्रामेटिक व्यू रहेगा, तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी रहेगी. अब आ जाओ हमारे तीसरे पार्ट की ओर. तो ये है हमारा एंगल वाला. तो एंगल हमारे क्या होते हैं, एंगल भी हमारे तीन होते हैं, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल. जो सुपीरियर एंगल है, सुपीरियर एंगल कॉन्टीन्यूअस विद सेरिब्रल एक्वेडक्ट, इन्फीरियर एंगल कॉन्टीन्यूअस बिलो विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड लेटरल एंगल वन ऑन ईच साइड टूवर्ड्स द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल. नाउ द बाउंड्रीज. बाउंड्रीज की बात करें तो हमारा जो ये लेटरल वॉल होता है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर लेटरल और इंफीरियर लेटरल. सुपीरियर लेटरली जो वॉल है ये कौन फॉर्म करता है, बाय द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल. और इंफीरियर लेटरली हमारे पास क्या होता है, बाय द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल. क्यूनिएट ट्यूबरकल हमें मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में देखने को मिलता है.
अब हम इस फ्लोर की बात करें तो इस फ्लोर को हम रोम्बॉइड फोसा भी बोलते हैं। रोम्बॉइड फोसा इसके फ्लोर को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोम्बॉइडल शेप का होता है। कुछ इस तरीके का रोम्बॉइडल शेप होता है जो इधर आपको देखने को मिल रहा है, ये रोम्बॉइडल शेप है। तो इस तरीके का रोम्बॉइडल शेप का होता है, इसीलिए इसे रोम्बॉइडल फोसा भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, वही बिहाइंड द पोन्स। मैंने पहले ही बताया था कि पोन्स और अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गाटा के तो डोर्सली प्रेजेंट होता है, पर इसके आगे वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। तो ये जो इसका जो फ्लोर होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट है, तो बिहाइंड द पोन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। और ये हमारा रोम्बॉइड शेप का होता है कुछ इस तरीके से, और तीन पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। तो ये ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो अपर ट्राइंगुलर पार्ट होता है, लोअर ट्राइंगुलर पार्ट होता है, और इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट एरिया होता है। जो अपर ट्राइंगुलर पार्ट होता है इस फ्लोर का, वो हमारा पोन्स के पीछे प्रेजेंट होता है। जो इंटरमीडिएट एरिया होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है जंक्शन एट द जंक्शन ऑफ द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। तो जो पोन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा का जो जंक्शन होता है वहां पर हमारा इंटरमीडिएट एरिया देखने को मिलता है, और जो लोअर ट्राइंगुलर एरिया होता है वो हमें बिहाइंड द अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गाटा देखने को मिलता है। एक और बार देख लेते हैं इसे। हमारा जो फ्लोर है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, अपर ट्राइंगुलर, इंटरमीडिएट एरिया और लोअर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल बिहाइंड द पोन्स प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट एरिया एट द जंक्शन ऑफ द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गाटा प्रेजेंट है, और लोअर ट्राइंगुलर वाला जो पार्ट है वो हमारा बिहाइंड द मेडुला ऑब्लॉन्गाटा प्रेजेंट होता है। फ्लोर को देख लिया, अब हम एक बार इसके रूफ को देख लेते हैं। तो अगर हम रूफ की बात करें तो इसको भी तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, अपर स्लोप, एपेक्स और फिर लोअर स्लोप। लोअर स्लोप में हमें टेला कोरिडिया देखने को मिलता है और कोरोइड प्लेक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली इस रूफ को एक बार हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये टेला कोरिडिया क्या है, ये कोरोइड प्लेक्सिस क्या है, इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। अब एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये हमारा रूफ समझाने के लिए। अब ये जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलर शेप आपको ये दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या, फोर्थ वेंट्रिकल। इस फोर्थ वेंट्रिकल के अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे इसके बिहाइंड में क्या प्रेजेंट है, पोन्स और अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गाटा प्रेजेंट है, और सेरिबेलम इसके आगे वेंट्रली प्रेजेंट होता है, कुछ यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा सेरिबेलम। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें पता है कि मेनिंजेस होती थी, हमारी मेनिंजेस में तीन लेयर होती थी ना, ड्यूरा मैटर होता था, एरेकनॉइड होता था और हमारा पिया मैटर होता था। तो जो पिया मैटर है, तो यहाँ पर हमें एक जो ये डबल इनर एकदम इनर साइड में जो हमें ये डबल फोल्डिंग लेयर दिख रही है, ये हमारी कौन सी लेयर है, ये हमारा पाया मेटर है। यहाँ पर ये डबल फोल्डिंग ग्रीन में जो दिख रही है, यहाँ हमारी डबल फोल्डिंग इसीलिए क्योंकि यहीं पर हमारा एक क्या प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। इस वजह से यहाँ पर ये पिया मैटर थोड़ा डबल लेयर होता है। और फिर यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा होता है, यहाँ ये होता है हमारा एरेकनॉइड। ये वाली हमारी कौन सी लेयर है, एरेकोनॉइड है। और अब आज जो हमारा ये वाला, और ये जो हमारा डॉट डॉट से ये जो मैंने ये दिखाया, ये हमारा पूरा क्या, फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इसको मैंने पहले बताया था कि इसको हमने डिवाइड किया है ये अपर स्लोप में, ये लोअर स्लोप में और इस एपेक्स में। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इस अपर स्लोप के बारे में। तो ये जो अपर स्लोप होता है, ये हमारा फॉर्म कैसे होता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्ज ऑफ टू सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल। और ये जो दो सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल होता है उसके बीच में एक थिन शीट होती है वाइट मैटर की, जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर मेडुलरी वेलम। तो ये जो अपर स्लोप है हमारी दो चीजों से बनी हुई है, एक तो थिन शीट होती है और वाइट मैटर जिसे हम सुपीरियर मेडुलरी वेलम बोलते हैं, जो किन किन के बीच में प्रेजेंट होती है, दो सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल के बीच में होती है। ये आपको तब समझ में आएगा जो बुक में जो फोर्थ वेंट्रिकल का डायग्राम है, एक बार आप उसको देखना तो उसमें आपको दिखेगा कि जो दो सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल है उनके बीच में एक थिन शीट और वाइट मैटर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर मेडुलरी वेलम।
और ये जो एपेक्स है, अब आ जाओ एपेक्स पे, ये हो गया हमारा अपर स्लोप खत्म, अब आ जाओ एपेक्स पे, एपेक्स की बात करते हैं। मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट है, तो ये जो एपेक्स होता है ये एक्सटेंड करता है इनटू द वाइट कोर ऑफ सेरिबेलम, ये एक्सटेंड करता है ये एपेक्स कहाँ तक, इट एक्सटेंड इनटू द वाइट कोर ऑफ सेरिबेलम, तो ये हमारा एपेक्स हो गया। अगर हम किसकी बात करते हैं, इस लोअर स्लोप की बात करते हैं, तो लोअर स्लोप इज फॉर्म्ड बाय द थिन शीट ऑफ नॉन नर्वस टिश्यू, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इन्फीरियर मेडुलरी वेलम। अब देखो, एक था हमारा थिन शीट ऑफ वाइट मैटर, वो क्या था हमारा, सुपीरियर मेडुलरी वेलम, और एक क्या है हमारा, ये भी थिन शीट है बट नॉन नर्वस टिश्यू है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्फीरियर मेडुलरी वेलम, ये हमारा लोअर स्लोप फॉर्म कर रहा है, वहीं सुपीरियर मेडुलरी वेलम हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, अपर स्लोप, जो कि किन के बीच में प्रेजेंट है, जहां पर हमारी कन्वर्ज कर रही है दो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। तो अपर स्लोप इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्ज ऑफ द टू सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, एंड बिटवीन दीज टू सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल देर इज अ थिन शीट ऑफ वाइट मैटर कॉल्ड द सुपीरियर मेडुलरी वेलम, वेयर एज द लोअर स्लोप इज फॉर्म्ड बाय द थिन शीट ऑफ नॉन नर्वस टिश्यू दैट इज द इंफीरियर मेडुलरी वेलम। लोअर स्लोप इंफीरियर, अपर स्लोप सुपीरियर मेडुलरी वेलम, ये इससे थोड़ा याद रहेगा आपको, ठीक है। और एपेक्स तो मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर सेरिबेलम प्रेजेंट होगा तो वो एक्सटेंड करेगा इनटू द वाइट कोर ऑफ सेरिबेलम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अब आगे चलते, तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया होगा कि ये जो हमारा पेयर मैटर होता है ये डबल लेयर होता है, तो ये अंदर वाली जो लेयर होगी ये क्या होगी, वेंट्रल लेयर, और ये जो आगे वाली लेयर है ये क्या होगी, डोर्सल लेयर, और ये दोनों ही लेयर हमारी किसकी है, पेयर मैटर की है। और ये जो पेयर मैटर है इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, टेलाकोरिडिया, इसी को, ये जो डबल लेयर पेयर मैटर है इसी को हम क्या बोलते हैं, टेलाकोरिडिया बोला जाता है। तो इसके बारे में, टेलाकोरिडिया के बारे में हमें दो बात याद रखनी, ये क्या है हमारी, डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेयर मैटर, दूसरा ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पता है यहाँ सेरिबेलम प्रेजेंट है, और ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, तो ये हमारा लोअर पार्ट है, रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल का ये लोअर वाला पार्ट है ना, और यहीं पर हमारा सेरिबेलम भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमारा डबल लेयर है पिया मैटर का, इसी को जिसको हम बोल रहे हैं टेलाकोरिडिया। तो ये हमारा बेसिकली प्रेजेंट कहाँ है, तो बिटवीन द इन्फीरियर वर्मिस ऑफ सेरिबेलम एंड लोअर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल के जो रूफ का जो ये लोअर पार्ट है उसके बीच में ही प्रेजेंट है ना ये टेलाकोरिडिया, जो कि हमारी क्या है, डबल लेयर फोल्ड ऑफ पिया मैटर है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया टेलाकोरिडिया क्या होता है। और यहाँ हमारे पास एपेक्स के पास हमें क्या देखने को मिलता है, एक नोड्यूल, सेरिबेलम का ही नोड्यूल देखने को मिलता है, और यही फोर्थ वेंट्रिकल के यहाँ पर हमें एक फोरामेन देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडाई, जिसके थ्रू हमारा CSF जो है, इस ये जो हमारा सब आर्किनोइड स्पेस है इसके अंदर हमारा CSF जो फ्लूड है इस फोरामेन के थ्रू आता है, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडाई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इन्फीरियर मेडुलरी वेलम के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। इन्फीरियर मेडुलरी वेलम हमारा किससे फॉर्म होता है, तो वेंट्रिकुलर एपेंडाइमल और पायामेटर से फॉर्म होता है। दूसरा, इसके लोअर पार्ट में एक अपर्चर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फोरामेन ऑफ मेजेंडाई, ठीक है, जिसके थ्रू CSF हमारा फोर्थ वेंट्रिकल से सब आर्केनोइड स्पेस के अंदर आता है। और इसके बाद ये जो सब आर्केनोइड स्पेस है, तो इस जगह पर ना थोड़ी बल्जिंग सी दिखती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहीं पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सेरिबेलर
मेडुलरी सिस्टम। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से सब आर्केनॉइड स्पेस ही है, बट यहाँ पर थोड़ी बल्जिंग है तो इसे हमने सिस्टर्न बोल दिया। तो ये और कहाँ पर प्रेजेंट है, तो मेडुला भी है और ये हमारा यहाँ पर हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, तो इसको हमने बोल दिया सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न। ठीक है, इस वजह से हमने इसे ये बोल दिया। तो ये एक तरीके से हमारा सब आर्केनॉइड स्पेस में ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक बार यहाँ देख लेते, ये जो हमारा डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेयर मेटल था, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, टफ टफ कैपिलरी प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी ब्रांच होती है किसकी, यहाँ जो टफ टफ कैपिलरी देखने को मिलती है जो कि ब्रांच होती है हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की, जिसे हम शॉर्ट में पिका भी बोल देते हैं। इसके बाद आ जाओ हम आते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। अब हम इस कोरोइड प्लेक्सिस की बात करें तो ये हमारा किसका बना होता है, टफ टफ कैपिलरी प्लस टेला कोरोइडिया का बना होता है और ये टी शेप होता है और प्रोजेक्ट होता है इनटू द वेंट्रिकल कैविटी। और ये टी शेप कैसा होता है, इसके लेटरली में दो हमारे फोरामेन ऑफ लुश्का प्रेजेंट होते हैं और फोरामेन ऑफ मेजेंडाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे प्रोट्रूड करते हैं कहाँ पर, इनटू द सब आर्केनॉइड स्पेस। इसी के साथ हमारा फोर्थ वेंट्रिकल खत्म होता है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।